दोस्तों, मेरा नाम हमित और आप देख रहे हैं एग्जाम टाइम यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गवर्नर गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में। ब्रिटिश साम्राज्य की बात करेंगे आज कि पहला गवर्नर कौन था, बंगाल के विभाजन के समय कौन था, इस टाइप के टॉप 20 क्वेश्चन करेंगे। और ये हमारा पार्ट वन है और इसके बाद पार्ट टू आएगा, उसमें कम्प्लीट टॉपिक कवर हो जाएगा। तो दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन दोस्तों, ब्रिटिश ने किसके शासन में व्यापार की अनुमति मांगी? तो अकबर के, जहांगीर के, औरंगजेब या बहादुर शाह? यहाँ अकबर रही तो किसके शासनकाल में अनुमति मांगी? जहांगीर के दरबार में। तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का पहला गवर्नर कौन बना? प्लासी के युद्ध के बाद पहला बंगाल का गवर्नर बना, उनमें से कौन सा? रॉबर्ट क्लाइव था, वायर ने एस्टिंग था, विलियम बेंटी के लॉर्ड था। ऑप्शन ए, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव भी बंगाल का पहला गवर्नर था। थर्ड क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट किसके शासनकाल में हुआ? वॉरेन हेस्टिंग के, कार्नवालिस या लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड वेलेजली? तो रेगुलेटिंग एक्ट आया था वॉरेन हेस्टिंग के टाइम में। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? 1772 में, 1773 में, 71 में या 1775 में? ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था और किसके टाइम में आया थे? वॉरेन हेस्टिंग के टाइम में। हमारा पांचवा क्वेश्चन, 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ हुई? कोलकाता में, दिल्ली में, सूरत में या मैसूर में? तो ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। और दोस्तों, आप बता दूं, जो ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, इसकी पहली न्यायाधीश कौन थी? एलिजा इम्पे। सिक्स क्वेश्चन, इस एक्ट के बाद बंगाल का गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाने लगा? रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट या चार्टर एक्ट सेकंड या पिट्स इंडिया एक्ट? तो रेगुलेटिंग एक्ट के बाद बंगाल का जो गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर जनरल के नाम से जाने जाने लगा। और ये रेगुलेटिंग एक्ट किसके टाइम में आया था? लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम में। तुम्हारा सेवंथ क्वेश्चन, भारत में सिविल सेवा व पुलिस सेवा का जनक किसे माना गया है, किसे माना जाता है? कार्नवालिस को, लॉर्ड रिपन को, विलियम बेंटिक को या लोजी को? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कार्नवालिस को भारत में सिविल सेवा व पुलिस सेवा का जनक माना जाता है। तुम्हारा आठवां क्वेश्चन है, लॉर्ड कार्नवालिस ने श्री रंगपट्टनम की संधि किसके साथ की? टीपू सुल्तान के, तात्या टोपे, पेशावा बाजीराव या इनमें से कोई नहीं? तो कार्नवालिस ने श्री रंगपट्टनम की संधि किसके साथ की? टीपू सुल्तान के साथ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नाइन्थ क्वेश्चन, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड बेंटिक या लॉर्ड कार्नवालिस? तो इसको ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना। अगर ये पूछे बंगाल का पहला गवर्नर कौन है, तो रॉबर्ट क्लाइव है। और अगर ये पूछे बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन है, तो वॉरेन हेस्टिंग। और पहला गवर्नर जनरल भी कौन है? वॉरेन हेस्टिंग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वैत शासन प्रणाली किसने लागू की थी? कॉर्नवालिस ने या रॉबर्ट क्लाइव ने, रॉबर्ट बेंटिक या डलोजी ने? तो द्वैत शासन प्रणाली किसने की? रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैत शासन प्रणाली शुरू की। बंगाल के शेर के नाम से कौन जाना जाता है? बेंटिक या लॉर्ड वेलेजली, वॉरेन हेस्टिंग या लॉर्ड डलोजी? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड वेलेजली बंगाल का शेर के नाम से जाना जाता था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, किस
इसके भय को खत्म करने के लिए वेलेजली ने सहायक संधि की शुरुआत की थी। फ्रांसीसी, डचो या पुर्तगाली इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इधर राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी। फ्रांसीसी के भय को खत्म करने के वेलेजली ने सहायक संधि की शुरुआत की। अगर ये पूछे कि भारत में सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी तो फ्रांसीसियों ने की थी। फ्रांसीसियों का एक गवर्नर था ड्यूप्लेउस ने। थर्टींथ क्वेश्चन, टीपू सुल्तान कौन से युद्ध में मारा गया था? प्रथम मैसूर युद्ध, दूसरा या तीसरा या चौथा? तो टीपू सुल्तान चौथे मैसूर युद्ध में मारा गया था। प्रेस पर प्रतिबंध किस ब्रिटिश शासक ने लगाया? लॉर्ड डलहौजी ने लगाया, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड वेलेजली या लॉर्ड कर्जन? तो प्रेस पर प्रतिबंध लॉर्ड वेलेजली ने लगाया। अमृतसर की संधि किसके शासनकाल में हुई? बेंटिक के या सर जॉर्ज वार्ले या लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड डलहौजी? अमृतसर की संधि हुई लॉर्ड मिंटो के टाइम में, मिंटो के टाइम के शासनकाल में हुई इसकी। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? भारत का पूछ रहा दोस्तों, तो लॉर्ड वेलेजली बना या वारन हेस्टिंग या डलहौजी या विलियम बेंटिक? तो ऑप्शन बी इधर राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। अभी हम रिवाइज करते हैं। अगर ये पूछे बंगाल का पहला गवर्नर तो कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। अगर ये पूछे बंगाल का पहला गवर्नर जनरल तो कौन है? वारन हेस्टिंग। अगर ये पूछे भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। हमारा 17वां क्वेश्चन, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किसके साथ मिलकर सती प्रथा का अंत किया? भीमराव अंबेडकर के साथ, राजा राममोहन रॉय के साथ, दयानंद सरस्वती या महात्मा गांधी? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा, राजा राममोहन रॉय के साथ मिलकर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया। 18वां क्वेश्चन, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके शासनकाल में शुरू हुई? वारन हेस्टिंग के, लॉर्ड हार्डिंग के, लॉर्ड हेस्टिंग के, लॉर्ड वेलेजली या बेंटिक? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था हुई लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम में। प्रेस से प्रतिबंध किसने हटाया? प्रेस से प्रतिबंध किसने हटाया? लॉर्ड वेलेजली ने, लॉर्ड क्लाइव ने या मैटकॉक ने या लॉर्ड हेस्टिंग ने? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा, चार्ल्स मैटकॉक ने प्रेस से प्रतिबंध हटाया। लगाया किसने था? वेलेजली ने। हटाया किसने? मैटकॉक ने। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, दास प्रथा का अंत किसने किया? मैटकॉक ने, बेंटिक ने या लॉर्ड करने वाले ने? एलन ब्रो ने। इसका ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा, एलन ब्रो ने दास प्रथा का अंत किया। तो दोस्तों आज के ये हमारे 20 क्वेश्चन थे और नेक्स्ट पार्ट में हम इससे थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन लेके आएंगे, ये टॉपिक कंप्लीट कर देंगे नेक्स्ट। तो आप कमेंट में बताना तो आपको वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियो पे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।